बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हजाई नबी की किताब उसके पहले बाब की पहली 8 आयत। दारा बादशाह के दूसरे वर्ष के 6 महीने की पहली तारीख को यहूदा के हाकिम जरुबाबल बिन शालतियेल और काहने आजम युशा बिन युसादाक को हजाई नबी की मार्फत खुदावंद का कलमा पहुंचा। उसने कहा कि रबुल अफवाज यूं फरमाता है कि ये उम्मत कहती है, अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में बसने का वक्त है जबकि ये घर वीरान पड़ा है? बस अब रबुल अफवाज यूं फरमाता है, तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया लेकिन थोड़ा काटा, तुमने खाया लेकिन सेर ना हुए, तुमने पिया लेकिन प्यास ना बुझी, तुमने कपड़े पहने लेकिन गर्म ना हुए, और उजरत लेने वाले ने अपनी उजरत सुराख दार थैली में डालने को ली। रबुल अफवाज यूं फरमाता है, तुम अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ पर चढ़कर लकड़ी लाओ और घर बनाओ, उससे मैं खुश हूंगा और मेरी तमजीद की जाएगी। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।